हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार। आज हम लोग देखते हैं लाभ हानि की पांचवी क्लास, जो कि चार क्लास हो चुकी है हम लोग का। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपने प्रश्नों को सीधे। पहला प्रश्न है हम लोग का कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, जो कि हम लोग चुटकियों में सवाल को खत्म करते हैं। जैसे दिया है क्रय मूल्य CP 1 रुपया में, जो रुपया उसे ऊपर रखते हैं, जो वस्तु उसे नीचे रखते हैं। SP कितना है, 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणांक कर देंगे। इसका इसमें तिर्यक गुणांक, तो इसका 1 में गुणा करेंगे तो 5 का 1 में तो कितना हो जाएगा, 5, 2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो दोस्तों कितना है, ये CP था तो ये कितना आ गया, 5। ये SP था तो ये आ गया 6। कहने का मतलब, खरीदे हम लोग 5 रुपये में, बेच रहे हैं 6 रुपये में, तो हमें लाभ हो रहा है कितना का दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है, 1। तो लाभ बराबर हम लोग का क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, 1/2 क्रय मूल्य, क्योंकि इसका अंतर 1 है तो 1 लिख दिया, और क्रय मूल्य कितना है, 5 × 100। तो 5 से काटेंगे हम लोग का कितना जाएगा, 20%। तो हम लोग का लाभ कितना हुआ, 20% दोस्तों। इस तरह से आप तुरंत लगा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, हम बताएं कि जो रुपया लिखा उसे ऊपर रखिए, 1 रुपये में 12 की टॉफी, कह रहा है कि जो है कि 20% की हानि होती है, तो जो लाभ होता है उसे ऊपर लिखते हैं। लाभ कितना का हो रहा है, 20 का, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, हानि बोला है तो कितना, 80। 100 में से 20 घटा देंगे तो देखिए 12 से 12 कट गया तो बचा 10, 109 से 109 कट गया तो हम लोग को कितना आ गया, 1/8। तो 1 रुपये में 8 के दर से वो बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो 1 रुपये में 8 टॉफी बेचना पड़ेगा, तब उसे लाभ होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो इसे 5% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए दोस्तों, जब एक बार लाभ बोले और एक बार हानि बोले तो हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे इसमें बोला है कि 5% की हानि, -5% की हानि, या फिर बोला +10 5% का लाभ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस को प्लस रहे तो इसे जोड़ दिया करिए, कहने मतलब इसे समझ लीजिए ये नहीं है, एक बार ये नहीं, इसे घटा मत दीजिएगा। माइनस का मतलब कि हानि, जब एक बार हानि बोले एक बार लाभ बोले तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। 10 का मान दिया है 80, तो 10 का मान दिया 80, तो 100 का मान, सो ये तो हम लोग का क्रय मूल्य होता है 100 का मान, तो 10 है तो 10 इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा, 800। तो 100% ही हम लोग का क्या होता है, क्रय मूल्य। तो हम लोग का कितना आ गया क्रय मूल्य, 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का कि
सौ पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कह रहे हैं कि 100 पेंसिल बेचने पर किसी व्यक्ति को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या कह रहा है कि बेचता कितना है, बेचता है 100, लाभ कितना हो रहा है, लाभ 20 का हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोग लाभ हानि किस पर देखते हैं? क्रय मूल्य पर। तो बेचता 100 का है, लाभ हो रहा है 20, तो हम लोग का खरीदा कितना होगा? 20 बेचने पर, 100 बेचने पर 20 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 80 खरीदा होगा तब ना। अगर 100 बेच रहा है तो 20 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 80 खरीदा था तभी तो 20 का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ। तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना खरीदा कितने में था? 80, तो गुड़े 100, तो 20 चौका 80, तो 4 25 100, तो हम लोग का कितना का लाभ हो गया दोस्तों? 25% का लाभ हो गया। इस तरह हम लोग चुटकियों में इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं, अगर इस तरह का आपको प्रश्न मिले तो आप जो है तुरंत समझे और तुरंत लगा लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि इसी प्रकार का है, थोड़ा उसमें हानि दे दिया है, तो आइए देखते हैं इसको कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशतता कितनी है? तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 36 बेचता है, 36 बेचता है कितना? 36 संतरा, हानि इसको कितना का हो रही है? हानि 4 का हो रहा है। तो दोस्तों, 36 बेच रहा है, 4 का हानि हो रही है, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, खरीदा कितना रहा होगा? खरीदा कितना होगा 36 बेच रहा है तो 4 की हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये खरीदा होगा कितना? 40 खरीदा होगा तब ना, 36 बेच रहा है तो उससे 4 हानि हो रही है, इसका मतलब 4 और मिला होता तो कम से कम लाभ नहीं हुआ होता, तो हानि भी नहीं हुई होती उसको। तो देखिए, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत बराबर हानि को ऊपर लिखते हैं 4 बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हम लोग का? 40 गुणे प्रतिशत में चेंज करने से सबको गुणा करते हैं, तो 4 से 4 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो कितना आ गया? 10%। कितनी हानि हुई उसको? 10% की दोस्तों हानि हो गई उसे। तो आइए देखते हैं इसके आगे वाले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना? अभी इस तरह का सवाल लगाए दोस्तों, तो आइए देखते हैं। देखिए, आपको समझ में आ गया हो तुरंत लगा देंगे। क्या कह रहा है कि बेचता कितना है? 250